ओम प्रकाश राजभर के पास पावर आ गया है, वो अधिकार आपको दिलाने का सांसद की कलम मोदी जी योगी जी ने दिया है। अगर उपचुनाव जाति का ही तो हम पतला हम पार्टी योगी जी अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर दिया है, जाओ अपने समाज के बीच सरकार बनी, दोनों हाथ उठाकर बतावा न बनी तो दोनों का रास्ता बनी। अगर मैंने चिन्हले होता नमाने के भाग हम हनों का लड़का लड़की आज वर्दी पहन के टोपी लगा के दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी दो चरणों के चुनाव जो है अब रह गए हैं और आप सभी जानते हैं कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में होने वाले हैं। पूर्वांचल की 27 सीटों पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बलिया में आज हम मौजूद हैं और बलिया में आज ओम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक जनसभा हुई जो कि बलथा और तहसील अंतर्गत हल्दीरामपुर ग्राम सभा में हुई, जहां उन्होंने सलेमपुर के भाजपा से दो बार सांसद और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे रविंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगा, खासतौर से राजभर समाज से। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारे पास पावर है, मोदी योगी ने कलम दी है। आज जो समय आ गया है आपको हक अधिकार देने का, ओम प्रकाश राजभर के पास पावर आ गया है, वो अधिकार आपको दिलाने का, वो क्षमता आ गई है। ओम प्रकाश राजभर की कलम मोदी जी योगी जी ने दिया है दस्तखत करने का। जो भी काम हमारे जो भी प्रधान बीडीसी प्रमुख क्षेत्र पंचायत हमारे जो जिला पंचायत सदस्य है हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन है, हम सभी के सहयोग से, हम अपने विधायक के सहयोग से, अपने सांसद के सहयोग से वो पावर साथियों हमको मिला हुआ है, उसका लाभ आपको देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस नाते हम आपसे निवेदन अपील करना चाहता हूँ, एक एक वोट कमल के निशान पर, आप कमल पे बटन दबाओगे ओम प्रकाश राजभर को ताकत मिलेगी, जब ओम प्रकाश राजभर को ताकत मिलेगी तो योगी जी नड्डा जी अमित शाह जी और मोदी जी से मजबूती से तेरे अधिकार के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों तेरे अधिकार के लिए मजबूती से लड़ूंगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर भी मंच से उन्होंने ऐलान किया, बताया कि 26 मई को उनकी जनसभा मऊ जनपद के रतनपुरा और हलदरपुर के बीच मेवड़ी ग्राम सभा के पास होने वाली है और अपील भी की कि सभी जो है बसों से गाड़ियों से वहां पहुंचे। और यह भी बताया रविंद्र कुशवाहा का हाथ उठा करके कहा कि रविंद्र कुशवाहा इस जनसभा में जाने का पूरा खर्च आपका वहन करेंगे, बस की व्यवस्था करेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और आपको ले भी जाएंगे। हमारे सांसद जी बहुत न्योता न्योता हल्दी बांट रहे थे, हल्दी रामपुर में हल्दी बांट रहे थे। 26 तारीख को प्रधानमंत्री हमारे सूबे के मुख्यमंत्री 26 तारीख को रतनपुरा और असड़ा के बीच में आ रहे हैं, अब वहां चलना है, बताओ कितने लोग चलेंगे, चले मुझे साधन के दे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए, एमपे बस लेला, पिकअप लेला, छोटी गाड़ी जो लगा लेला गाड़ी में भर जा चला, चक्की चौराहा मिल गया, अगर वहां समोसा का महक मिले तो गाड़ी रोक जाए, पकौड़ी अगर छनाब का महक मिले तो रोका, ऐसे कायदा सांसद जी अब मन कर रखता, ऐसे कहा कि अब मन कर रखता बाबा, पकौड़ी चाय खाते हुए ठंडा गर्म लेते हुए हम लोगों को रसड़ा और रतनपुरा के बीच में मेवड़ी गांव वही है, 26 तारीख को दोनों नेता आपके बीच में आ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन अपील है कि वहां चलना। रविंद्र कुशवाहा की जनसभा में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब हम सभी जाते हैं जनता के बीच
तो यह दिखता है कि जनता में रोजगार और नौकरी और महंगाई को के मुद्दे हैं, इसको लेकर के वर्तमान सरकार से, वर्तमान संसद से नाराजगी है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह वादा किया जनता से कि मोदी योगी ने मुझे वह ताकत दी है कि मैं आपके लिए नौकरियों की व्यवस्था कर सकूं, रोजगार की व्यवस्था कर सकूं, और पंचायती राज विभाग जो मुझे मिला है उसी के जरिए हम आपके लिए यह व्यवस्था करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर दिया है कि जाओ अपने समाज के बीच में कहो कि जिम्मेदारी मुझे मिली है आपके विकास के लिए, आपके संघर्षों से आपकी जिम्मेदारी जो उन्होंने दिया है विकास के लिए, उनसे कहो कि वो साथ खड़े रहे कल तेरे विकास के लिए। ओम प्रकाश राजभर को हम धन देंगे और धन देकर हम आपके पुल पुलिया खंजारा रास्ता हम बनवाने का काम करेंगे। तेरा आवास, शौचालय, पेंशन, तेरे बेटे को नौकरी, नौजवानों काम करके सुन लो, जो विभाग मिला है घबराओ नहीं, लाखों नौकरी हम इसी विभाग से आपको देने की तैयारी में है। पंचायती राज में लाखों नौकरी दूंगा, घबराओ नहीं, वो काम हमने पीएम साहब से भी और सीएम साहब से भी बता चुका हूँ कि देखो भैया हम काम शुरू करेंगे तो हमको माल चाहिए, तो क्या माल क्या करेंगे, हमके माल का शब्द हमारा दूसरा है, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, जो गरीब कमजोर पिछड़े तरीके संख्यक है उनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उनके लिए हमको माल चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे, हम देंगे, तो साथी जब वो देने के लिए तैयार। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से सिकंदरपुर की जनसभा में कहा था, समाजवादी पार्टी के सलेमपुर के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी को लेकर के जो बंबई की अपनी याद दिलाई थी कि जब बंबई में वह एक सभा में पहुंचे थे तो ओम प्रकाश राजभर को रामाशंकर विद्यार्थी ने उनकी औकात याद दिलाई थी। आज जो है सुभाषपा के वोटरों को उनकी औकात दिलाने की का समय आ गया है, यह बात यहाँ भी दोहराई। मैं 10-12 साल पहले गया था और उस समय उस नेता का बड़ा तेवर था और मुझे कहा, बात बात में कहा तेरी क्या औकात है, चलो नीचे। हमने कहा कि महाराज मैं सुहेलदेव जी की कृपा से यहाँ आया हूँ, कहा बहुत सुहेलदेव देखा हूँ, चलो उधर, लेकिन मैं भी महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज, हम मानने वाले कहा थे, हम भी हरहरा के चढ़ गए मंच पर, वही मंच पर हुई व्यवस्था कसी, उन्होंने कहा कि तेरी औकात देख लेंगे, हमके भैया हम औकात नहीं देखते, लेकिन इतना जरूर है इस समय आने पर हम बता देंगे कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज है और आप क्या चीज है, हम बता देंगे। आज वो समय आ गया, बहुत सही समय पर भेंट भई बा, बहुत सही समय पर भेंट भई बा, बहुत मन हम बिरादर हुई ओम प्रकाश राजभर का हूं, बोला ओम प्रकाश राजभर अगर बिरादर कहो तो हम, अगर उनको चरण जाति कही तो हम कथुआ हम पाती कहे, वो जाति की बात करते हम पाती की बात करते हैं। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, भगवान पाठक जी जैसे लोग, रविंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग, हंसुराम जैसे लोग, हम लोग एक रात में बैठ करके हम आपको रोटी और पूरी और तरकारी खिलाना चाहते हैं, हम पार्टी में बैठा करके हम आपको हिस्सा लेना चाहते हैं, हम जाति की बात नहीं, हम पार्टी में खड़ा होकर के पत्थर लेकर के हम हिस्सा लेना चाहते हैं। इस नाते साथियों हम आपसे कहना चाहूंगा, एक कान खोल के सुन लो, समाजवादी पार्टी आप बताओ, समाजवादी पार्टी ने राजभर भाइयों बताओ तुझे धोखा दिया है कि नहीं दिया है, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, धोखा दिया है ना, तो आप वोट एक वोट भी सपा को दोगे ये समझ लेना धोखा देने के लिए आप दे रहे हो, धोखा खाने के लिए दे रहे हो। इस नाते एक एक वोट ओम प्रकाश राजभर के नाम, एक एक वोट ओम प्रकाश राजभर को चाहिए। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जनता जो है बिजली की बिल से परेशान है और
अगर वह चाहती है कि इससे निजात मिले तो वह एक बार फिर मोदी जी की सरकार देश में लाने के लिए उनका सहयोग करे। ओम प्रकाश राजभर ने सबसे बड़ी बात यह सपा बसपा और कांग्रेस पर जो है तीखा प्रहार किया और कहा कि इनकी सरकार जो है जहाँ सपा बसपा की प्रदेश में 400 साल रही है वहीं जो है कांग्रेस ने 40 साल राज किया, लेकिन चुनाव के समय उन्हें पिछड़े याद आते हैं, उकरियों में उन्हें पिछड़े नहीं याद आते हैं। ना बनी तब तो लोग का रास्ता बनी। अगर ही कांग्रेस सपा बसपा वाले अगर ही चार बार सरकार समाजवादी पार्टी की रही, चार बार बसपा की रही, 40 साल कांग्रेस की रही, अगर ये लोग पुलिस की भर्ती में नाई गोर पाल प्रजापति बिंद के बटमला राजभर चौहान आरा करवंशी बंजारा बहेलिया कला दुल्हा सारी सहायता की भर्ती अगर मैंने चिन्हले होता नमानी के भाग महानों का लड़का लड़की आज वर्दी पहन के टोपी लगा के दिखाता ना, लेकिन इन्हें चिन्हलन नहीं हम अनेक दी चुनाव आई बात चिन्हत है कतो नहीं राजभर जी आ जा, लेकिन इन्हें ना बतावा कि राजभर जी है ही राजभर जी लोग ऐसा है, निशा जी लोग ऐसा है, चौहान जी लोग ऐसा है कि बिना देखल पानी में से बहरे कह दे बोला सही है गलत बिना देखल पानी से बाहर कह दिल अहिया तो अकिया से देख के बटनिया दबावे के बोला यहाँ तो अकिया से देख के कमल वाली बटन दबावे के बा ई लोग हम आने के पढ़ावत करा न पाठ ई लोग हम आने के गरीबन के कमजोरन के पिछड़न के दलितन के अत्याचारन के ई पढ़ावत करा न पाठ सोरा दुनिया कुल में आकर के ओम प्रकाश राजभर की सभा में राजभर ऑटो को अपने पाले में लाने की बड़ी मशक्कत देखने को मिली, क्योंकि हल्दीरामपुर एक राजभर बेल्ट पड़ता है और इस जिले का जो है सबसे बड़ा जो है गांव माना जाता है, तो वहां पर राजभर आबादी अधिक है, इसलिए जो है राजभर की जनसभा में राजभरों की तादाद जो है अच्छी खासी जो है देखी भी गई। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।